इस इंडस्ट्री में मुझे पाँच साल हो गए हैं जो मैंने अपना स्टार्ट किया था ड्रामा उसमें मुझे पर डे एक हज़ार मिला था सबसे पहले मैंने अपने थिएटर का ड्रेस बनाया था और अपने मम्मा को उनमें से पैसे दिए थे उस सात हज़ार से अब मैं पचास हज़ार ले रही हूँ पर वही पैसे हैं ना शादी करनी है <laughs> ताकि आप पे मेरे नौकरानी का ज़रा आगे ना किसी ना किसी का दिल आ ही जाता है गिफ्ट भी देते हैं ये नहीं है कि नहीं देते बड़े प्यारे होते हैं हम उनके लिए तो आते हैं इधर लोग हमें क्लैप करते हैं तो हमारी जो उन जितनी थकावट होती है वो हमारी उतर जाती है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नाजरीन आज हमारे साथ थिएटर इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ खूबसूरत नाम खुशी खान मौजूद है अपने नाम की तरह वो हमेशा खुश हमें दिखाई देती हैं उनके टिक टॉक हों उनके ड्रामे हों हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं उनसे गुफ्तु करेंगे और जानेंगे कि थिएटर इंडस्ट्री का उनका सफ़र कैसा रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी कैसी हैं आप जी अल्हमद खुशी बताइएगा कितना हाँ हो गया है इस इंडस्ट्री में आए हुए और कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ इस इंडस्ट्री में मुझे पाँच साल हो गए हैं और मेरा आगाज़ जो हुआ था वो सरवली की अकैडमी से हुआ था तो उधर से मैं सरवली की अकेडमी में आई डांस के लिए सीखने फिर आगे से मैं थिएटर तो डांस एकेडमी में कितना अरसा सीखती रहीं और फिर किस तरह से एंट्री हो गई थिएटर इंडस्ट्री में किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया किसी फ्रेंड के साथ आए या फिर सर बल्ली ने ही आपको थिएटर इंडस्ट्री में लेकर आए जी वो सर बल्ली की एकेडमी में आई थी मैं अपनी मेरी ममा की एक फ्रेंड थी ठीक है उनके ज़रिए मैं सरबली की अकेडमी में आई उधर मैंने काफ़ी अर्सा पहले डांस की रिहर्सल की उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रामा लाइन में भेजा इधर स्टेज ड्रामा में और इधर से फिर मैंने अपने करियर का आगाज़ किया पहला ड्रामा कौन से थिएटर में किया था पहला जो मेरा ड्रामा था वो और कई थिएटर था कजाफी हाल नंबर टू में हॉल नंबर टू में कौन कौन सी स्टार कास्ट थी और कहा जाता है कि जो पहली आपकी आमदन होती है तनख्वाह होती है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है तो कितना मुआवजा मिला था जब पहला ड्रामा किया उसका मुआवजा कितना मिला जो मैंने अपना स्टार्ट किया था ड्रामा उसमें मुझे पर डे एक हज़ार मिला था ठीक है तो यानी कि सात दिनों का मुझे मेरा सात हज़ार हुआ तो उस सात हज़ार में मैंने कुछ पैसे सबसे पहले मैंने अपने थिएटर का ड्रेस बनाया था और अपने ममा को उनमें से पैसे दिए थे ज़बरदस्त तो सात हज़ार से वो सफ़र शुरू हुआ आज पाँच साल हो गए तो कहाँ तक तरक्की हुई उस सात हज़ार में उस सात हज़ार से अब मैं पचास हजार ले रही हूँ पर वीक पर वीक पचास कैसा महसूस होता है तब सोचा था के नाम हिट हो जाएगा परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आएगी लोगों के दिलों में ड्रामा ड्रामाबीनों के दिलों में घर कर जाऊंगी लोग पसंद करेंगे नहीं तब तो स्टार्ट था बहुत कंफ्यूज थी मैं तो बड़ा वो एक झिझक होती है जो स्टार्ट में वो थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे उस्तादों की जो उन दवाया है उनका मुझे सिला मिला और बेसिक जो मैं शिगिर दूँ वो मैडम खुशबू की खुशबू जी की मैडम तो ये बताइए कि जब आपने पाँच साल हो गए इसमें किस आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा लाइक करती हैं हर बंदे की कोई ना कोई आइडियल होती है मेल हो फीमेल हो कि इस आर्टिस्ट के जितना मैंने नाम बनाना है उनकी तरह परफॉर्मेंस होनी चाहिए उतनी दाद मिलनी चाहिए जी जो मैं लाइक करती हूँ वो मेरे बॉस ही हैं मैडम खुशबू खान मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ और मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरा जो अगर, अगर फ्यूचर में मकाम हो वो बिल्कुल मैडम खुशबू जैसा हो कितने बहन भाई हैं हम हम जो उनसे हैं पांच बहन भाई हैं तीन हमारी सिस्टर हैं दो मेरे भाई हैं एक की डेथ होगी एक भाई हमारे साथ में। आपका कौन सा नंबर है <laughs> मेरा सबसे एंड पे <laughs> सबसे फिर तो यकीन घर में लाडली भी होंगी <laughs> बिल्कुल <laughs> खाने पकाने का भी सात तरीका आता है या फिर सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराते वकील <laughs> <laughs> खाना अभी यानी कि ज्यादा बनाना नहीं आता मैंने यानी कि घर में सबसे छोटी थी तो कभी किचन में गई नहीं अम्मी ने जाने नहीं दिया उसके बाद फील्ड में आ गई अब तो बिल्कुल भी नहीं जाया जाता तो रिहर्सल और रिहर्सल के बाद ड्रामा ड्रामा और और फिर रिहर्सल नींद पूरी की और बस खत्म तो कल को घर गृहस्थी करनी पड़ गई तो फिर क्या करेंगे दरअसल हमारे ड्रामे का जो मकसद होता है जैसे हम ड्रामे में कहते हैं पैसे आ जाना शादी करनी है ताकि आप नौकरानी का देना आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बिल्कुल सही कहा था कि ये ऐसी अदाकारा है जो हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बती है और ख़ुद भी अपने नाम की तरह हस्ती मुस्कुराती रहती है अल्लाह ताला इनको ऐसे ही हस्ता मुस्कुराता रखे फ्यूचर्स के क्या प्लान हैं फ्यूचर्स के अभी तो कुछ प्लान नहीं है अभी तो बस यही है कि आज जैसा मैंने आपसे कहा है कि मेरा ये थीम है कि मैं अपने अपने बॉस मैडम खुशबू की तरह मेरा एक नाम हो ठीक है तो अभी यही चाह रही हूँ कि जब उस मुकाम पे पहुँच जाऊँ अल्लाह करे कि मैं उस मुकाम पे पहुँचूँगी अल्लाह से दुआ है तो फिर उसके बाद शादी शादी के बाद बच्चे फिर वही आम रूटीन जब डांस करती हैं तो कितनी मुश्किल होती है अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि देखने वाले को लगता है कि बहुत इजी है लेकिन उसके पीछे एक बड़ा हमारा मेहनत होती है क्योंकि हम पहले डांस अकेडमी में उसकी रिहर्सल करते हैं उसके बाद जब हम हम वीक के बाद परफॉर्म करते हैं तो पहले दिन तो बल्कि सातों दिन ही हमारे दिल में ये होता है कि ये नहीं परफॉर्म हमारा बिल्कुल सही हो जो उनसे हमें देखने वाले हैं वो हमें हमारी परफॉर्म को लाइक करे तो बड़ा प्रेशर होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जाता है। जब लोग परफॉर्मेंस आपकी जब एंड होती है लोग क्लैप करते हैं तब क्या फीलिंग्स होती हैं फिर वो पूरे हफ्ते जो रिहर्सल करती हैं वो थकावट नहीं उतर जाती बिल्कुल जब लोग हमें क्लैप करते हैं तो हमारी जो उन जितनी थकावट होती है वो हमारी उतर जाती है और इनका जो हमें क्लैब करना यही हमारे लिए सबसे अजीज होता है क्योंकि अगर ये हमारी परफॉर्म से खुश होते हैं तो यकीन माने हम हमें अपनी सारी सारी जो हमारी नींदें पूरी नहीं होती वो हमारी सारी मुकम्मल हो जाती कभी ऐसा हुआ है कि आप परफॉर्म करने आई हो हाँ जी। तो किसी के दिल में घर कर गई हो किसी ने मोहब्बत का इजहार कर दिया हो किसी ने गिफ्ट दे दिया हो कभी कुछ ऐसा हुआ है अभी तक क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनको लाइक कर रहे होते हैं पसंद कर रहे कभी आपके साथ ऐसा इतफाक हुआ जी जी वाह अब बल्कि ये होता ही रहता है कंटिन्यू क्योंकि किसी ना किसी का दिल आ ही जाता है जाहिर बात है इंसान है ठीक है तो ये है कि फिर वो जितना उसे हो सके वो हमारे गिफ्ट गिफ्ट भी देते हैं ये नहीं है कि नहीं देते बड़े प्यारे होते हैं हम उनके लिए ही तो आते हैं इधर इतना प्यार देते हैं कैसे वो अपने मतलब जिस बात का इजहार करते हैं ज़रा बताएं हमारे नाज क्या कहते हैं कैसे करते हैं? वो सबसे पहले तो हमें फ़ोन करते हैं किसी से नंबर लेके उसके बाद वो हमें कहते हैं जी मैडम हमें आखिर हम गिफ्ट, गिफ्ट दे 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 तो में हमारे देखने वालों को अपने चाहने वालों को लेकिन पैगाम से पहले सोशल मीडिया के हवाले से आपसे एक सवाल सोशल मीडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कितना फायदा हुआ है टिकटॉक फेसबुक और दीगर जो एप्स हैं बीगो लाइव इस तरह की और कितना नुकसान हुआ है आर्टिस्ट को जी जो सा है इन एप ऐप्स तो अच्छी होती हैं लेकिन ये कि जो इनको इस्तेमाल करते हैं ना कईयों का तरीका बहुत गलत होता है जिसकी वजह से वो सारे सारे के ऊपर ब्लेम आ जाता है ठीक है गलत एक काम एक काम जो उनसे है ना वो एक बंदा गलत कर रहा होता है लेकिन उसमें सारे कार्य जाते हैं बाकी ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं लेकिन कुछ लोग इन ऐप्स को अपने यानी कि गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिससे पूरी जो सी कम्यूनिटी है उनमें मिस पैदा होती है तो लिहाजा उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा तो जो सा हम सब आपस में एक दूसरे के क्लीग्स हैं हमें एक दूसरे के साथ साथ देना चाहिए प्यार से रहना चाहिए लेकिन लोग जो सा है ना बस पता नहीं क्यों या उनको उनको ये होता है कि इससे हम हमें फेम मिलेगा लेकिन इससे बिल्कुल आपको फेम नहीं मिल सकता क्योंकि इज़्ज़त वही है जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को देनी है आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को अपने चाहने वालों को अपने मद्दाहों को अपने पसंद करने वालों को आपकी परफॉर्मेंस को लाइक करने वालों जी उन सब के लिए तो आई लव यू और जो मुझे हेट करते हैं उनके लिए भी आई लव यू क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है जो हमें प्यार करते हैं वो भी जो हमसे हेट करते हैं वो भी बाकी सब हमारा ड्रामा देखने हैं हमारा ड्रामा बहुत अच्छा होता है और जिस ड्रामे में मैं हूँ ख़ास तौर पर वो ड्रामा <laughs> खुशी कभी ऐसा हुआ है ਕਿ ਆਪਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਪਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਪੜੇ ਤੂੰ ਬਦਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਐਸ ਰੱਖਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਪੜੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ अक्सर हमारी अदा कराए ऐसी ऐसा कभी कोई वाक्य दिलचस्प वाक़ पेश आया जिस पर फिर आप मुस्कुरा रही हूँ और अगले को गुस्सा चढ़ रहा हूँ कि मैं है, तो है। फिर हंसी जा रही <laughs> वो ना दरअसल मेरा तो कुछ मिजाज भी ऐसा है कि जो कोई मर्जी कर ले मैं मैं हंसती रहती हूँ और मेरे हंसने की वजह से सबको चेड़ होती है कि यार ये इतना हम इसके साथ करते हैं लेकिन फिर भी ये खुश रहती है लिहाजा अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं हुआ जस्ट एक लड़की थी मैं नाम नहीं लूँगी उसके साथ मेरा थोड़ी अनबन हुई थी ठीक है लेकिन बाद में मैंने उसे समझाया मैंने कहा देखो आप मेरी बहन हो ऐसे नहीं करते मेरा मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है लियाजा आप भी निकाल दे लियाजा वो अभी भी यानी कि करती मैं कहती हूं करीजा बहुत शुक्रिया खुशी जी नाज़रीन आपने खुशी खान की खूबसूरत گفتگو की सुनी और देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने ऊपर जो उनके मुश्किलात पेश आई वो भी मुस्कुराकर बड़े ही दिलचस्प अंदाज में उन्होंने बयान किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने मदाओं से भी अपील की कि जिस तरह से वो उनके साथ प्यार करते हैं इसी तरह करते रहें और वो जिस थिएटर में परफॉर्म करने जाएं उसका ड्रामा देखने के लिए वो एक दफ़ा ज़रूर आएँ उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा इसी के साथ मुझे कुरबान प्रिंस को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद